प्रिय छात्र, एजुकेशन पॉइंट BHG में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का मैथ का प्रश्न सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 का चौथा प्रश्न सॉल्व करेंगे। कल लाइव क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 3 तक सॉल्व कर लिए थे। आज इस वीडियो में हम लोग चौथा प्रश्न हल करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसी तरह से प्रश्न आप अपने कॉपी में उतार लीजिए और इसको पढ़ें। पहले ये प्रश्न है, यदि बहुपद px के लिए p1 बराबर 3 हो तो बहुपद px को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ध्यान रखिएगा, इससे पहले मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर जैसे p है या px है, x के जगह पर -1 रखा हो, यानी बहुपद में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -1 रखा गया है। तो जब -1 रखा जाता है किसी बहुपद में यदि चर का मान रखा जाता है तो जो फाइनली आता है बहुपद का मान उसी को शेषफल कहा जाता है। ये 3 क्या है, शेषफल, 3 को ही शेषफल कहेंगे। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, शेषफल बराबर 3। शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, 3। और ये कैसे हुआ, इसके लिए आगे और सवाल है 12-13 नंबर में, वहाँ सॉल्व करेंगे तो वहाँ ज़्यादा डिटेल्स में समझ में आएगा। अभी आपको फिलहाल इसका आंसर लिख लेना है 3। तो अब आते हैं पांचवा प्रश्न, देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। पांचवा प्रश्न उतार लीजिए। अब अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, पढ़ लेते हैं पहले प्रश्न को। यदि बहुपद px के लिए, बहुपद px, देखिए बहुपद का संकेत होता है px, के लिए p -2/3, यहाँ देखिए x है, x के स्थान पर रखा हुआ है -2/3 = 0। कहने का मतलब px कोई भी बहुपद है उसमें यदि यह मान रखा गया -2/3 तो उस बहुपद का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे यदि शेष आपसे पूछा जाए तो इसका शेष 0 हो जाएगा, क्लियर। लेकिन हमें शेष नहीं पूछा जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है बहुपद px का एक गुणनखंड लिखिए। गुणनखंड कैसे लिखेंगे, यह तो आप समझ चुके हैं, यहाँ पे px के जगह पर इसको रखा गया तो इसका मतलब यह क्या है, x का वैल्यू है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हम हल करते हैं इस प्रश्न को, है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है x बराबर -2/3, क्लियर। अब आप क्या करेंगे, देख लीजिए इधर ये -2/3 है, हम यदि इस साइड लाएंगे, लेफ्ट साइड, ये भी राइट साइड में है, इधर लाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी चिन्ह जो है बदल जाएगा, तो x प्लस 2/3 हो जाएगा और इक्वल टू, इधर कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका हम भिन्न का जोड़ कर देंगे। भिन्न का जोड़ कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, एक 3 का एलसीएम क्या हुआ, 3। अब 1 से 3 में भाग देंगे, जैसे 3 में 1 से भाग देंगे तो 3 ही होगा, 3 गुना एक्स 3x हो जाएगा, प्लस 3 से 3 में भाग देंगे 1 गुना 2 = 0। अब यहाँ पे कोना को नहीं गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 2 बराबर, इसको इससे गुना कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा इसको इससे गुना कर रहे हैं, और इसको 3 गुना 0 करेंगे तो 0 होगा। तो इसलिए इसका सही आंसर हो गया 3x प्लस 2 = 0, यही इसका गुणनखंड हो गया। तो इस तरह से आप, ये पांचवा प्रश्न बन गया। अब हम छठा प्रश्न हल करेंगे। तो छठा प्रश्न है, यदि बहुपद px के लिए p -3, यहाँ ध्यान दीजिए px के लिए p -3, ये जो -3 है यह x का वैल्यू है, देखिए x के स्थान पर -3 रखा हुआ है तो x बराबर -3 हो जाएगा, बराबर 2, यानी किसी बहुपद, कोई बहुपद है उसमें यदि x के जगह पर यदि हम 3 रखते हैं तो उसका वैल्यू कितना निकलता है, 2 हो, तो px -2 का एक गुणनखंड लिखें। तो गुणनखंड कैसे लिखेंगे, यहाँ सिंपल भाषा हम समझिए, यहाँ पर, यहाँ हम हल करते हैं, तो हल करेंगे तो यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 होगा ना, और x को यदि ये -3 को इस साइड लाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, तो x प्लस 3, इधर कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे 0 हो गया, यही आंसर हो गया, आपको 6 नंबर का प्रश्न बन गया। एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आ जाएगा, वैसे इजी ही है, लेकिन शुरुआत में भारी लगेगा लेकिन इजी ही है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।